बिश्नोई जिंदाबाद। और उनके सपूत में सिद्धार्थ बिश्नोई जी हमारे स्टेट सेक्रेटरी जी। एक मिनट मैं चेक करता हूं। शेरे हरियाणा रखो रखो सिर पर हरियाणा के पूर्व। आज पुत्र सिद्धार्थ ने अपने दादाजी की याद में आज से साइकिल यात्रा शुरू कर रहे हैं। गांव गांव जाकर पेड़ लगाएंगे। ये आपका भाई है, आपका बेटा है, बच्चा है, कोई भूल चूक भी हो जाए तो क्षमा कर देना। मुझसे भी कोई भूल चूक हुई तो मैं भी क्षमा चाहता हूँ आपका। मुझे आपका बच्चा हूँ, परिवार में माफ़ी मांगना कोई बुरी बात नहीं है। तो मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है, भरोसा है कि आप मुझसे भी अधिक साथ बेटे से दाद का दोगे। जो इन्होंने मिशन उठाया है, जो इन्होंने संकल्प लिया है गांव-गांव जाके पेड़ लगाने का, उन पेड़ों की देखभाल करना हम सबका कर्तव्य बनता है। पिछले दिनों मुझे यहाँ बेटे की ससुराल है छत्तीसगढ़ रायपुर जाने का मौका मिला और मैंने वहाँ देखा कि वहाँ 40% छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट है और हरियाणा के अंदर कागजों में 4% है, असल में 4% भी नहीं है। बहुत शर्म की बात हमारी। जितने हम पेड़ लगाएंगे उतनी अधिक ऑक्सीजन पैदा होगी, बारिश आएगी, हरियाली आएगी, फसलें बढ़ेंगी। इस संकल्प में आप मेरे बेटे सिद्धार्थ का, जो कि आपका बेटा है, आपका भाई है, इसका साथ दें। गर्मी बहुत है, आप बहुत देर से खड़े हैं, कुछ में लेट हो गया, इस बात के लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप तो जानते हैं जगह जगह रुकना पड़ता है, आप इंसान को रुकना पड़ता है रस्ते। देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। तरीकों के बारे में लोगों को जागृत करने के लिए और जो पर्यावरण का बुरी स्थिति हो रखी है उसको सुधारने के लिए, तो हम इससे लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि हम साइकिल से जा रहे हैं। 200-250 गांव पूरे पंचकुला कालका क्षेत्र में साइकिल चला रहे हैं और सब जगह पेड़ लगाते जा रहे हैं। तो हम लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि वो भी अपनी तरफ से पेड़ लगाएं और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि पेड़ लगाना आसान है, पेड़ लगाकर पेड़ों की देखभाल करें, उनको मरने ना दें। लोगों की मांग है कि आप भी राजनीति में आएँ अपने पिता की तरह और दादा की तरह, कह रहे हैं सिद्धार्थ भाई आगे बढ़ो। हम अगर पार्टीज़ को अलग अलग रखकर, जातियों को अलग अलग रखकर, आदमी औरत को अलग अलग रखकर लड़ते रहेंगे तो देश के लिए नहीं लड़ पाएंगे। तो साइकिल यात्रा कितने गांव में जाएगी और क्या क्या किया जाएगा? 200 से अधिक गांव में जाएगी पूरे पंचकुला, पूरे कालका क्षेत्र में, और सब जगह हम पेड़ लगाएंगे और सब जगह वहाँ पे गांव में बैठकर लोगों से बातचीत करेंगे कि आपको क्या लगता है हमें फाउंडेशन के अगला प्रोग्राम क्या करना चाहिए और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारी फाउंडेशन आपकी कैसे सहायता कर सकती है। तो ये लोगों से जुड़ने के लिए, उनकी मांगे सुनने के लिए और हम अपने क्षेत्र का भला कैसे कर सकते हैं ये जानने के लिए हमने साइकिल यात्रा शुरू की। जो आपने ऑनलाइन कैंपेन चलाई है उसको कैसा रिस्पॉन्स मिला है, उसके बारे में जरा? ऑनलाइन कैंपेन को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। 2 ही हफ्तों में 1000 से ज़्यादा पेड़ लगे हैं। अलग अलग देशों से हमने लोगों ने पेड़ लगाए, कुछ किसी लोगों ने 12 पेड़, 50 पेड़, 100 पेड़ भी लगाए एक आदमी ने। और मैंने सोचा नहीं था कि हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा ऑनलाइन, इसीलिए हम 2 हफ्ते की जगह इसको और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, 1 महीना बढ़ाना चाह रहे हैं। और मेरा लोगों से यही निवेदन है कि ऑनलाइन चैलेंज तो 1 महीने में ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन जो पेड़ लगाने की प्रक्रिया है और उनका ख्याल रखने की जो प्रक्रिया है वो अपने जीवन भर शुरू रखे और चलते रहे। थैंक यू। भाई सिद्धार्थ बिश्नोई जिंदाबाद। चला भी अभी भाई साहब।